ये श्री राणाबाई गौशाला सेवा समिति गेहड़ा कला मकराना जिला नागौर के ऐतिहासिक कार्यक्रम का दृश्य है, जहां पर रविवार 3 अक्टूबर 2021 को आयोजित एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम में 125 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड दान प्राप्त हुआ है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, मकराना के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर और बिरदाराम चौधरी के साथ उपस्थित हजारों जन समुदाय के समक्ष प्रमुख बिजनेसमैन और दानवीर छोटू राम डारा ने 31 लाख और गेहड़ा कला सरपंच मुकेश डारा ने 10 लाख रुपए मिलाकर कुल 41 लाख रुपए का सर्वाधिक दान करने का उदाहरण पेश किया। इस अवसर पर गौशाला के लिए 5 बीघा जमीन दान करने वाले शिवरांसी के बिरदाराम बाबल की धर्मपत्नी श्रीमती बिरजी देवी के साथ उनके सुपुत्र सुखराम, चेनाराम, हुक्माराम, छोटू राम और उगमाराम बाबल को सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, बिरदाराम चौधरी, गौशाला समिति के अध्यक्ष गोवर्धन सिंह राठौड़ और सरपंच मुकेश डारा ने शॉल और साफा पहनाया और मेमेंटो भेंट कर अभिनंदन किया। गौशाला के लिए श्री घीसारा माली की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी डगली देवी और उनके सुपुत्र खियाराम और झूमरमल ने भी 1 बीघा जमीन दान करके गौ सेवा की मिसाल कायम की। समारोह में आए सांसद हनुमान बेनीवाल ने गौ सेवा का आह्वान करते हुए सत्यवादी वीर तेजाजी के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प दोहराया और 15 लाख रुपए की राशि सांसद कोष से देने का वादा किया और 21,000 रुपए नगद भेंट किए। इस देश के अंदर अगर भात और मायरे सबसे अच्छे कहीं के हैं तो हमारे नागौर जिले के हैं। लोक देवता नागौर में हुए सबसे ज्यादा, और गायों के लिए नागौर का किसान, नागौर का जवान, माताएं बहने और जनप्रतिनिधि गाय की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे और आगे भी तत्पर रहेंगे। और 1,000 साल पहले गाय को बचाने का जो बीड़ा उठाया, अपने प्राण न्योछावर किए, वो भी वीर तेजाजी महाराज ने दिए, तो नागौर की अनूठी शान है और नागौर से ही राजस्थान में परिवर्तन होगा, ये संदेश देना आपके बीच आया हूँ। गेड़ा कला गाँव के अंदर जब मैं आया हूँ, लेकिन इस गांव के अंदर 15 लाख रुपए एमपी कॉटेज देने की मैं घोषणा करता हूं, 10 लाख रुपए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए और 5 लाख रुपए आपके गांव के पंचायत के मुख्य द्वार के लिए जब गांव के अंदर एंट्री करते हैं, 15 लाख रुपए गेड़ा कला पंचायत के अंदर। इस मौके पर मकराना के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर ने 5.5 लाख रुपए का बड़ा योगदान देकर जनता का दिल जीत लिया। वो एक समय है जगह आदमी ने ईश्वर की कृपा हो, जनता का सहयोग हो, मौको मिले, अरे मौका ने काम कौन ले, को ये 5 साल निकाल कर भी कोई मतलब को। तो मौको जो को मिले भी ना, काम में ले भी ना, जनता याद रखे। तो इस वास्ते मैं आप लोगों ने इतना ही निवेदन करना चाहूँ कि आप जो है आज ये गौशाला के वास्ते अच्छे सहयोग दो, ताकि अपने गौशाला जो है अच्छी बन सके और गायों की अच्छी सेवा हो सके। मैं ये मौका पर गौशाला के वास्ते, ये निर्माण कार्य के वास्ते, कहीं मैं अच्छी सुविधा हुए इनके वास्ते जो है मैं 5,11,000 रुपए की घोषणा करूँ कि आप जो है इनके मायने जो है बिल्कुल सहयोग देवा। आप लोग सगड़ा अठा का जो कि समिति है आज आयोजन कर भाई समिति है, इन्हें धन्यवाद दूँ कि आप लोग जो है मानवों का सफर माला पहरा करके आप लोग स्वागत करियो, इनके वास्ते सबने बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह का मंच संचालन JVP मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम केवाड़ा और उनके सहयोगी प्रकाश भीचर ने किया। गौ माता के आसपास में रहते सब भगवान रे, गौ माता में जो पाता है फूलों की मुस्कान रे, सकल सृष्टि में माँ से अच्छा कोई नहीं इंसान रे।
सत्संग के लिए हमने बड़े बड़े इंसान भटकते देखे हैं। अरे राजा रंक फकीर क्या, हमने बड़े बड़े सुल्तान भटकते देखे हैं। रहमो करम की दुआओं से सत्संग नसीब होता है नसीब वालों को। गेहड़ा कला की धरती पर हुए इस दिव्य और भव्य समारोह में प्रसिद्ध दानवीर और जी आर टेक्सटाइल बंगलुरु के चेयरमैन विष्णु साखला ने 4.5 लाख रुपए का योगदान देकर अपनी दिलेरी का परिचय दिया। कार्यक्रम में देर की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध देवनगर के बाबल परिवार ने सरपंच, प्रधान, उप जिला प्रमुख और विधायक रहे बिरदाराम बाबल के नेतृत्व में 4 लाख रुपए का दान देकर पारिवारिक एकता और सेवा भाव का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। गौरतलब है कि बाबल परिवार के आधार स्तंभ के रूप में स्वर्गीय श्री इंद्र रामजी बाबल के योगदान को भी मंच से अंकित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम में प्रसिद्ध गौ भक्त सिंगर डॉक्टर ओम प्रकाश मुंडेल ने संत श्री कमलनाथ जी महाराज के सानिध्य में गुरु महिमा और गौ माता के प्यारे भजनों की प्रस्तुति देकर दानदाताओं और जन समुदाय का उत्साह वर्धन किया, जिससे दान देने वालों का सिलसिला लगातार पूरी रात जारी रहा। वाजी जामू जी ओ पूरा बलियारी जामू जी मारा सतगुरु आंगन आया इत वाली जा प्रसिद्ध दानवीर और बालाजी ट्रेडिंग कंपनी बीटीसी के चेयरमैन छोटू राम डारा द्वारा 41 लाख रुपए के योगदान के अलावा लगभग 10 लाख रुपए उनके साथ बिजनेस करने वाले बीटीसी ग्रुप के सदस्यों ने सिलीगुड़ी से भेजकर दानवीरता का एक अनूठा उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम में प्रमुख समाज सेवी उगमा राम रैगर के नेतृत्व में रैगर समाज द्वारा 2 लाख रुपए की राशि गौशाला में प्रदान करके सामाजिक समरसता की अनुपम मिसाल बनाई गई। इस अवसर पर टीकमचंद रैदास ने 0.5 बीघा जमीन का दान करके गौ सेवा के प्रति समर्पण का परिचय दिया। कार्यक्रम में जवाना राम किरडोलिया ने भी 1 लाख रुपए प्रदान किए। आरआई राजेंद्र सिंह और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह किरडोलिया ने 1 लाख रुपए का योगदान देकर गांव की मिट्टी के प्रति अपने फर्ज को निभाया। कार्यक्रम में आए सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक श्रीराम भीचर, पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी, सरपंच संघ जिला नागौर के अध्यक्ष प्रकाश भाकर, सरपंच प्रेमाराम छरंग, भवर गोदारा, पोकर राम डारा, हनुमान राम बाबल, राधा किशन बाना, दिलीप कुमार, श्रवण राम रलिया, बीरमा राम बाबल, उदाराम रलिया, श्रवण राम जाखड़ समेत सभी गणमान्य जनों का गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष गोर्धन सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष महावीर माली, सरपंच मुकेश डारा और आसुराम बाबल ने साफा और मेमेंटो से स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्टेज, पंडाल और पार्किंग समेत विभिन्न कार्यों की अलग अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेवीपी मीडिया ग्रुप की टीम की ओर से इस पूरे कार्यक्रम की विशेष न्यूज बुलेटिन डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। इस कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए 25 कैमरे लगे हुए थे और सोशल मीडिया के फेसबुक, यूट्यूब समेत अनेक प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण किया जा रहा था। लाइव देख रहे दुनिया भर के लोगों ने 84,000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करके गौ सेवा का लाभ उठाया।
इस अवसर पर जन समुदाय की झोली से भी 65,000 रुपए का दान प्राप्त हुआ, जिसमें सामने बैठी पब्लिक की संपूर्ण भागीदारी नजर आई। सभी के सहयोग से सफल कार्यक्रम के लिए हम सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और एक नए संकल्प के साथ फिर से श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। जय गौ माता।